आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को यह भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा? श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, ना भी तो मनदसिंह केवल दूसरे, यानी कर्तव्य के आगे सब कुछ शून्य है, चतुर्वर्ण्य माया सिस्टम। गुरु 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। सरकारी कार्यक्रमों के अलावा अंबेडकरवादियों ने इस दिन संविधान के बारे में चर्चा की और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया, जिन्होंने आज़ाद भारत के नागरिकों को ये सौगात दी। ये अलग बात है कि संविधान की जब भी बात आती है तो कुछ लोग बाबा साहब का नाम लेने से भी परहेज करते हैं या उनके योगदान को बहुत कम बताने की कोशिश करते हैं, जैसे ये उन्होंने नहीं लिखा, वो तो लिखने वाली कमेटी के मुखिया भर थे, या ये कि जहां तहां से दूसरे देशों के संविधान टीप कर लिख दिया। कुछ लोग इस तरह भी प्रस्तुत करते हैं कि लिखा किसी ने और नाम किसी का हो गया। ऐसा ही एक वाकया इस बार के संविधान दिवस के मौके पर सामने आया। मध्य प्रदेश के जवाहर नवोदय विद्यालय रायसेन में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में वहां के प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार मिश्रा ने जो भाषण दिया वह अजीबोगरीब लगने वाला है। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को यह भ्रांति है, बहुत लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। आखिर कहना क्या चाहते हैं मिश्रा जी? दरअसल ये वीडियो जब एक व्हाट्सएप ग्रुप पर इंडस न्यूज को मिली तो भाषण देने वाले प्रिंसिपल साहब को कॉल की गई, उन्होंने उस पर जो सफाई दी वह सुनिए। हेलो हेलो नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या जितेंद्र कुमार मिश्रा जी से बात हो रही है मेरी? जी। हेलो। हाँ सर, मैं आशीष बोल रहा हूँ इंडस न्यूज से, उत्तर प्रदेश के बरेली से। जी सर, आपका एक भाषण मैंने देखा एक ग्रुप पर वायरल हुआ है संविधान दिवस पर, आपका कोई शायद जवाहर नेहरू ये जो नवोदय विद्यालय है इसमें आप प्रिंसिपल हैं शायद, ऐसा बताया गया उसमें। क्या है उसमें बताया गया कि आप उसमें कोई संविधान दिवस पर कोई आपने जेएनवी में कोई स्पीच दी होगी, तो वो स्पीच आप ही ने शायद कल दी है या नहीं दी है, पहले तो ये कंफर्म करना था मुझे। जी जी, आप ही की है वो स्पीच? कल संविधान दिवस विद्यालय मनाया गया था, इस अवसर पर बोला तो गया था इस बारे में। नहीं, आपने जो बताया उसमें कि संविधान जो है जो निर्माण किया है उसमें एक भी लाइन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं लिखी है, ये आप ही के उद्गार हैं? नहीं, वो जो रायजादा जी ने लिखी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी की हैंडराइटिंग में लिखी गई, ऐसा कहा गया था उसको। हाँ मतलब उसमें कुछ इस तरह किसने लिखा है उसमें आपने ये बोला है ना कि किसने लिखा है, तो बच्चों ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, तो आपने कहा नहीं सभी को यही मालूम है, बल्कि लेकिन उन्होंने एक भी लाइन नहीं लिखी है उसकी। नहीं ऐसा, उसको गलत परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है। मतलब आपका क्या कहना है उसमें एक्चुअली? मेरा ये कहना है कि संविधान निर्मात्री सभा के रूप में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है, और उनकी लेकिन जो संविधान का लेखन किया है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी है, जिनकी हैंडराइटिंग में इटैलिक हैंडराइटिंग किया गया, संविधान के फैक्ट बताए जा रहे थे बच्चों को, उस संबंध में इसकी चर्चा हुई थी। और ये डिजाइन जो है बुक कवर का जो डिजाइन है वो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, ऐसा जो है उनको बताया जा रहा था। नहीं आपको, आपने वो वीडियो जो वायरल हो रही है एक्चुअल में ये ना जी, ये वीडियो आपकी इसमें जो आपने बोला है वो जो कुछ भी है वो वायरल हुई है? अच्छा, आपकी जानकारी में है? नहीं है ये? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा, लेकिन वो इस वक्त वायरल हो रही है मतलब, और अच्छा। इसी वजह से वो वायरल हो रही है, इसी वजह से वो मुझे मिली।
नहीं नहीं तो उसको कारशांत से गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं कहिए तो मैं आपको भेज देता हूँ कि वो वीडियो है क्या, जो भी है। हाँ, उसके बारे में आप मुझे ऑफिशियली, मुझे इसी वजह से आपसे, क्योंकि उसमें आपका फोन नंबर भी दर्ज है। अच्छा अच्छा हाँ, तो वो फोन नंबर भी मुझे वहीं से ही मिला है जी। तो आपको मैं भेज देता हूँ, आप देख लीजिए उसको और उसका आप। मैंने अपना अपना पक्ष बताया कि बच्चों को इसके तहत संविधान के जो बताए जा रहे थे उसमें संविधान सभा के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष के बारे में बताया गया जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, उसके बाद 9 सितंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बने, ये बताया गया। फिर ये बताया गया कि उसका लेखन जो किया गया है वो प्रेम बिहारी नारायण राजायदा जी की हैंडराइटिंग में किया गया है और पूरा संविधान उन्होंने अपनी कलम से लिखा है। और उसके बाद संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर जी के योगदान के बारे में बताया गया, अन्य सदस्यों के बारे में बताया गया, फिर बुक कवर के डिजाइन के बारे में बताया गया जो शांति निकेतन है के जो कलाकार थे उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, ऐसे करके और संविधान फिर मौलिक अधिकार कर्तव्य ये सब लंबी चर्चा हुई थी इस बारे में। अच्छा, लेकिन वो जो भी है क्लिपिंग जो आई है मैं आपको भेजता हूँ, आप बताइए जैसा भी। तो मैंने तो बता दिया, अपना पक्ष बता दिया। ठीक ठीक शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। मिश्रा जी से व्हाट्सएप पर भी इस सिलसिले में पूछा गया था, लिहाजा उन्होंने वहाँ भी जो चैट में कहा वह कुछ इस तरह है। हमने अपनी ओर से उनको मैसेज भेजा, नमस्कार, आपका संविधान दिवस पर भाषण वायरल हो रहा है, क्या ये आपके ही उद्गार हैं? उनका जवाब आया, ये क्लिपिंग गलत तरीके से ली जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान के निर्माण में अतुलनीय योगदान था, जिसे पूरा राष्ट्र नमन करता है। फिर पूछा गया, अगर आपका पूरा भाषण रिकॉर्डेड है तो उपलब्ध करा दीजिए, नहीं तो क्लिपिंग वायरल होकर कुछ और मैसेज देगी। फिर बाद में उनका जवाब आया, संविधान के लेखन एवं अच्छी हैंडराइटिंग के विषय में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के योगदान के विषय में बच्चों को बताया जा रहा था, कृपया इसे गलत तरीके से प्रचारित ना करें। हमने उनको लिखा, प्रचारित हम नहीं कर रहे हैं, हमें तो मिला है इसीलिए कन्फर्म किया है। उनका जवाब ये भी आया, पूरा भाषण उपलब्ध नहीं है, किसी शिक्षक या कर्मचारी ने कुछ अंश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। हमें लगा पर्याप्त पक्ष दे दिया है मिश्रा जी प्रिंसिपल साहब ने, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने विद्यालय में हुए संविधान दिवस कार्यक्रम की एक क्लिप भेजी, जिसमें एक बच्ची बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता रही है, लेकिन आप गौर से सुनेंगे तो इस क्लिपिंग के अंत में कुछ ऐसी बात आई है जो कुछ अटपटी सी है। ना भी तो मनोरथ सिंह केवल दूसरे, यानी कर्तव्य के आगे सब कुछ शून्य है, चतुर्वर्णीय माया सिस्टम गुरु। हालांकि ये क्लिपिंग भी उसी तरह पूरी नहीं है जैसा कि प्रिंसिपल साहब वायरल होने वाली क्लिपिंग के बारे में कह रहे हैं। बच्ची की क्लिपिंग के बाद प्रिंसिपल साहब ने एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा है, आदरणीय आनंद जी, ये विद्यालय में प्रथम पुरस्कार प्राप्त बच्ची के भाषण का अंश है, इसी प्रकार से संविधान के विषय में बच्चों को अमेजिंग फैक्ट और महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई जाती हैं जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। मेरे द्वारा दिया गया भाषण आधे घंटे का था जिसमें किसी ने बहुत छोटे से अंश को उद्धृत किया है। संविधान के लेखन के पश्चात उसकी डिजाइनिंग में नंदलाल बोस जी के योगदान तथा उसके पश्चात प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी तथा उनके साथ साथ एमन राय जो भारत के संवैधानिक सलाहकार थे उनका योगदान और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अन्य सदस्यों का योगदान, इन सब की बृहद चर्चा की गई। संविधान के मौलिक कर्तव्य मूल अधिकार के साथ साथ शिक्षा के अधिकार पर भी चर्चा की गई जिसको सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना, संविधान के समस्त तत्वों को सुना और उनके विभिन्न विषयों पर भाषण के द्वारा चर्चा भी की। विद्यालय इस प्रकार के किसी भी चर्चा का पूर्ण खंडन करता है और यदि इससे किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंची है तो मुझे हार्दिक दुख है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये अंतिम उनका जो मैसेज था वो यही है, नमस्कार। जो पद के रूप में सबसे ऊपर प्रतिष्ठित हो और फिर उसका पालन करना अपने आप में एक अनूठी मिसाल रही है। आप देखें, भारत का संविधान गढ़ने के लिए, रचने के लिए
बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई कि हम अपना कानून लागू करें। अपना कानून मतलब अपने द्वारा बनाया गया जो भारतीयों को पसंद हो, क्योंकि भारत के जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आप मेस कमेटी मीटिंग में बैठते हैं तो बताते हैं कि नाश्ते में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, काफी चीजें डिसाइड करते हैं, फेर बदल करते हैं अकॉर्डिंग टू बजट। वैसे ही देश में भी बहुत सारी चीजें यहाँ की लोकरीतियों लोगों के अनुसार कि ये चीज हो सकता है ये नहीं हो सकता है, उसको बनाकर शामिल किया गया। संविधान सभा बनाई गई, इलेक्शन हुए, उसके लोग चुने गए और उसके अध्यक्ष के रूप में पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 6 दिसंबर को अपॉइंट हुए, जो फ्रांसीसी परंपरा रही है कि किसी भी सदन के जो है सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है, उसको हमने फॉलो किया और उनको अध्यक्ष बनाया, अस्थायी अध्यक्ष। और 9 दिसंबर 1946 को हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया। भारत के संविधान को गढ़ने वाले बहुत सारे लोग विभिन्न देशों का दौरा करते रहे, उन्होंने वहां के संविधान का अध्ययन किया। जिन संविधानों का अध्ययन किया गया प्रमुख देशों में अगर देखें तो जापान, रशिया, आयरलैंड, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे देश, जर्मनी जैसे देश शामिल रहे जिनमें विकसित भी थे, विकासशील भी थे, और उनको पढ़कर उनकी परिस्थितियों को अपने यहां से मेल खाते हुए शामिल करने का व्यवस्था की गई, उन पे चर्चाएं हुई और चर्चा होने के उपरांत फाइनली 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को फाइनली साइन किया गया। आप जानते हैं भारत का संविधान किसने लिखा है? बहुत लोगों को भ्रांति है, बहुत लोगों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एक लाइन भी नहीं लिखा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की एक लाइन भी नहीं लिखी है। संविधान को लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? इटालियन राइटिंग के महारत हासिल किए हुए बिहार के हमारे लाल थे, जिन्होंने जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत अच्छी हैंडराइटिंग थी और उनके हाथ से लिखी हुई है किताब संविधान की। किसने लिखा है? प्रेम बिहार। पूरे भारत वर्ष का विधान हूँ मैं, क्षमता हूँ, एकता हूँ मैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्मों को समेटे हूँ मैं, अधिकार की आवाज हूँ मैं, कर्तव्य हूँ, एहसास हूँ, आजादी का गहना हूँ मैं, न्याय हूँ मैं, संविधान हूँ, हाँ मैं संविधान हूँ, विशाल हूँ, विस्तृत हूँ, संपूर्ण हूँ मैं, लिखित संविधान हूँ। उपस्थित परम आदरणीय एके राय सर और सभी जूली मेंबर, सम्माननीय शिक्षकगण और आप सभी को मैं क्रांतिकारी इस्तकमाल करती हूँ, जय भीम सलाम करती हूँ। मैं उपस्थित हूँ महिमा रजक आप सभी के समक्ष भाषण प्रस्तुत करने के लिए। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो भारतीय संविधान के अनुसार चलता है, जिसके मुताबिक देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हैं। हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, या जिसे हम कानून दिवस के नाम से भी जानते हैं। संविधान के बगैर देश चल नहीं सकता। 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारे भारतीय संविधान की यूं तो बहुत सारी विशेषता हैं, पर कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्म निरपेक्ष, कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण, एकहारी नागरिकता, पंथ निरपेक्षता आदि। भारत के संविधान में भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिना बुनियाद के इमारत नहीं बनती, बिना बुनियाद के इमारत नहीं बनती, बिना बीज के हम वृक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस सफल संविधान के पीछे यूं तो बहुत सारे हाथ हैं, पर सबसे बड़ा हाथ आपको पता है किसका है? किसका है सबसे बड़ा हाथ? भीमराव अम्बेडकर। देश के लिए जिन्होंने विलास को ठुकराया था, गिरे हुए को जिन्होंने स्वाभिमान सिखाया था, देश के थे वो अनमोल दीपक जो
बीआर अंबेडकर कहलाए थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी का भारत की पावन गाथा में अमर नाम है। वे संविधान निर्माता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इंसानियत के लिए संघर्ष किया। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, ना भी तो मरणसिंह केवल दूसरे, यानी कर्तव्य के आगे सब कुछ शून्य है। चतुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुरु।